कि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज मेरे YouTube चैनल के ऊपर 1K सब्सक्राइबर जो वो कंप्लीट हो चुके हैं, 128,000 प्लस व्यूज मैंने कमाए हैं और 1K सब्सक्राइबर जो है अलहमदुलिल्लाह कंप्लीट हो गए। कि जब तुझे 1K हो जाएंगी या तू स्टार बन जाएगा तो हम ये गांव छोड़ के चले जाएंगे, तो उनको मैं ये कहता हूँ कि यार गांव छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, अभी आप यहीं पर बैठे और आपको भी मेरी बहुत तरक्की देखी है। ये हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हम अब अकेले नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है और अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। एक तो उसकी हाइट भी उनसे कम होती है, दूसरा वो वेट में भी उनसे कम होता है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी शेर होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो कला है कि वो शेर कहलाने के लायक है, चाहे वो हाइट में उनसे छोटा है, चाहे वो वेट में उनसे कम है, चाहे वो उनकी तरह नहीं है, ठीक है, लेकिन शेर शेर होता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे दुनिया देख सकती है, ठीक है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपका दोस्त स्टार यासू आप सबका दिल से बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर 1K सब्सक्राइबर जो है वो कम्प्लीट हो चुके हैं और आप सबका थैंकफुल हूँ और थैंक यू बोलने के लिए वीडियो जो है मैंने बनाया है। तो बात करते हैं मेरे YouTube चैनल के बारे में, तो पिछले साल मैंने 2021 में शुरू किया था ये वाला चैनल, जो उससे पहले भी मेरा YouTube चैनल था, लेकिन ये वाला चैनल जो है वो मैंने पिछले साल शुरू किया था और एक साल और एक महीना जो है वो कंप्लीट हुआ और उसमें मैंने क्या कमाया, 127,000 प्लस 128,000 सॉरी 128,000 प्लस व्यूज़ मैंने कमाए हैं और 1K सब्सक्राइबर जो है अलहमदिल्ला कम्प्लीट हो गए, 1K सब्सक्राइबर हैं और वॉच टाइम जो उसकी मैं विवाद नहीं कर रहा वो बहुत नीचे है। तो आपको बताता चलूँ कि इतना भी जो मैंने कमाया है ये मेरे लिए एक बहुत ख़ास है और बहुत बड़ी बात है। तो आगे मैं यही कहूँगा कि इसी तरह सपोर्ट करते रहें, जो सपोर्ट कर रहे हैं तो इसी तरह सपोर्ट करते रहें, जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उन्हें देखा करें और आगे आगे शेयर करें जो वीडियो अच्छा लगे। तो ये जो 1K सब्सक्राइबर मेरे आज हुए हैं ये उन लोगों के लिए जवाब है कि जब तुझे 1K हो जाएंगी या तू स्टार बन जाएगा तो हम ये गांव छोड़ के चले जाएंगे, मतलब वैसे ही उन्होंने धमकाया था, एटीट्यूड दिखाया था अपना। तो उनको मैं ये कहता हूँ कि यार गांव छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप यहीं पे बैठो और आपको भी मेरी बहुत तरक्की देखनी है, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा था कि मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उनके लिए एक जवाब लाया हूँ कि हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, हम अब अकेले नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है और अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। तो ये उनके लिए जवाब था, क्योंकि माँ की दुआ जब तक सर पे है, जब तक माँ का हाथ सर पे है, जब तक माँ की दुआ है, तो तब तक इंशाल्लाह मैं कामयाब होता रहूँगा। तो आपको गांव छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर बैठो, मेरी तरक्की देखो कि आगे आगे मैं क्या करता हूँ। चलो अब इनको छोड़ते हैं और एक ख़ास बात करते हैं। तो ये जो है 1K जो व्यूज़ कम्प्लीट हुए हैं ये उनके लिए जवाब था। तो मैंने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट किया था, ठीक है, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी किया था कि जिस भाई को मुझसे कुछ पूछना है या कुछ बोलना है तो वो मुझे मैसेज करे या कमेंट करके मेरी वीडियोज़ पे बोले। तो चलो अब मैं बताता हूँ किस किस भाई ने मुझे क्या क्या कमेंट किया है, क्या क्या मैसेज किया है। तो मेरा दोस्त इशफाक खान लिखता है लव यू जिगर, लव यू टू जिगर। जाहिर लिखता है लव यू जिगर, तो लव यू टू जिगर। पागल विलन, ये FB ID है जो मैं पढ़ रहा हूँ, पागल विलन प्यार के जा कर रहे, वो लव किसी के सेंड करते हैं, तो थैंक यू ब्रो। रियाज भाई भी ऐसे ही कमेंट कर रहे हैं, तो थैंक यू ब्रो। बदनाम जट लिखता है नाइस, लव यू जिगर, लव यू टू जिगर, थैंक यू। शाहिद अहमद लिखता है जिगर लगन जू, तो थैंक यू ब्रो। भाई शबी लिखता है लव यू ब्रो, तो लव यू टू ब्रो। तौसीफ लिखता है लव यू ब्रो, लव यू टू ब्रो। मेरा दोस्त खान इशू लिखता है जिगर द टोटा, तो लव यू जिगर, थैंक यू। सिंपल बॉय लिखता है कंग्रेचुलेशंस ब्रो, थैंक यू सो मच ब्रो। हिलाल चौहान लिखता है कंग्रेचुलेशंस ब्रो, तो थैंक यू सो मच ब्रो। तो ये कुछ कमेंट्स हैं। और तारिक राजा जो है वो स्टिकर सेंड करता है, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू। शाहिद अहमद लिखता है लव यू ब्रो, तो लव यू टू ब्रो। ये जो है ये फेसबुक के ऊपर अभी तक आए हैं। तो मैसेज की बात करते, ये कमेंट्स में पढ़ रहा था, मैसेज अभी तक एक ही आया, बाकी टैग किया मुझे ज़्यादातर, तो मैसेज एक ही आया है भाई शबीर, हिम्मत रखो भाई, बहुत आगे जाओगे, तो इंशाल्लाह हिम्मत रखी हुई है और ग्रेट भाई, ऐसे ही मेहनत करते रहो, तो इंशाल्लाह। तो अभी तक मैंने आपके साथ ये कॉमेंट्स और मैसेज वगैरह शेयर किए, तो अब एक ख़ास बात बता रहा हूँ, जो कि मैं अपने हर वीडियो में ये बात बता रहा हूँ, हर वीडियो में ये बात बताता हूँ कि मैं अपनी कौम के लिए स्ट्रगल करता हूँ, मैं अपनी कौम के लिए कर रहा हूँ, ठीक है जी। लेकिन इस चीज़ के ऊपर कोई भी जो है फोकस नहीं दे रहा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके,
क्योंकि जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जो लोग चाहते हैं मुझे, जो लोग चाहते हैं कि मैं एक स्टार बनूँ या फिर अपनी कौम के लिए कुछ करूँ, तो वो लोग मेरे साथ खड़े हैं और वो यही मान के हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा भी नहीं है। और ये मान के जो सब्सक्राइबर हैं तो ये वो लोग हैं जो चाहते हैं मुझे। तो एक और बात करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि पैसे भर के ये सब्सक्राइबर कमाता है, क्योंकि ये बात मैंने बहुत पहले सुनी थी, जब मैंने 50K व्यूज़ के ऊपर वीडियो बनाया था, तब मुझे लोग कहने लगे, मेरे दोस्त कहने लगे कि वो बंदा ये बोल रहा है कि पैसे भर के। मैंने उनको कहा कि यार जाके उनको बोल दो कि वक्त का इंतज़ार करो। तो वक्त ने इतना टाइम लगाया कि एक साल एक महीने में मुझे 1K सब्सक्राइबर हुए हैं। अगर मुझे पैसे भर के सब्सक्राइबर कमाने होते तो मैं एक मंथ में भी कमा सकता था, क्योंकि पैसे भरने थे और सब्सक्राइबर कमाने थे। लेकिन मैंने अपनी मेहनत की दम पे ये सब्सक्राइबर कमाया, इसलिए इतना टाइम लग गया। तो दूसरी वीडियो में भी बताया था कि वो सज्जाद जिसका वीडियो फेमस हुआ था, वो इंजेक्शन वाला, तो मैंने कहा था अगर इस तरह के लोगों को आप सपोर्ट करते हो, ठीक है, एंजॉय के लिए आप वीडियोस देखो, लेकिन इतना ज़्यादा आपने शेयर किया, वो अपने लोगों ने शेयर किया, ठीक है, ज़्यादा हम लोगों ने उसको शेयर किया है। तो उसके बाद एक और वीडियो मैं इन दिनों देख रहा हूँ फेसबुक के ऊपर, वो एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है जी, तो वो सांग गा रहा है कुछ, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्या मिलेगा उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। एक तो उस बच्चे का मजाक बन रहा है, ठीक है, तो दूसरा ऊपर से कोई फ़ायदा भी होने वाला उसको नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ टाइम तक ट्रेंडिंग में रहेगा, जैसे सज्जाद का वीडियो ट्रेंडिंग में रहा तो उसके बाद वो डाउन हो जाएगा। तो मैं आपको बार बार ये बातें बोल रहा हूँ, आप अपने गाँव में देखें, ठीक है, अपनी कौम में देखें, अपने कल्चर में कोई भी ऐसा लड़का होगा जो किसी न किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो बेस्ट परफॉर्म करता होगा, जैसे क्रिकेट में होगा या स्टडी में होगा या यूट्यूबिंग में होगा या वीडियोस बनाने में होगा, ठीक है जी, हर किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो उन जैसे लड़कों को आप सपोर्ट करें, ऐसे ही कोई बंदा कोई गा रहा है उसको अपने वीडियो उठाया और शेयर कर दिया, बना दिया उसको, तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, और इससे ज़्यादा इंसल्टी होती है, इतनी हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती जिससे फिर जितनी इंसल्ट हो जाती है ऐसी वीडियो से। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन लोगों को सपोर्ट करें जो आगे जाके अपनी कौम के लिए कुछ कर सके, कुछ बोल सके, जिसमें बोलने का दम हो, तो ऐसे लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ज़रूरी नहीं है आप मुझे सपोर्ट करें, मुझे 1K का टारगेट था और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे पूरा हो चुका है, लेकिन मैं ये बात बोल रहा हूँ कि वैसे लोगों को आप सपोर्ट ना करें जैसे कि आप सपोर्ट कर रहे हो फेसबुक के ऊपर, उससे कोई फायदा। एक बात और बताना चाहता हूँ, देखें जानवर बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ा जानवर अगर देखें तो वो हाथी होता है या फिर ऊँट होता है, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन शेर जो है ना वो हाथी से, वो ऊँट से, वो घोड़े से, वो गधे से जो है वो छोटा होता है, ठीक है, एक तो उसकी हाइट भी उनसे कम होती है, दूसरा वो वेट में भी उनसे कम होता है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी शेर होता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर वो कला है कि वो शेर कहलाने के लायक है, चाहे वो हाइट में उनसे छोटा है, चाहे वो वेट में उनसे कम है, चाहे वो उनकी तरह नहीं है, ठीक है, लेकिन शेर शेर होता है। तो ठीक है, ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये सब लोगों को समझ में नहीं आएगी, जिन लोगों के लिए मैंने एग्जांपल दी है वो समझ गए होंगे कि मैं किन को घोड़ा कह रहा हूँ और किन को शेर कह रहा हूँ। तो ये उन लोगों के लिए जो ये बातें बना रहे हैं, तो इससे कुछ नहीं होता है, जो लोग अपनी कौम के लिए स्ट्रगल करते हैं, जो लोग अपनी कौम के लिए निकलते हैं, तो वो बंदे ही वैसे होते हैं, ठीक है। तो ये हिम्मत होनी चाहिए बंदे में आगे आके बोलने की इस तरीके के प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे दुनिया देख सकती है, ठीक है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। कहा जाता हूँ इस वीडियो का पार्ट 2 भी आने वाला है, उसको भी देखना। लव यू ऑल गाइस, सब खुश रहो, सलामत रहो।